कोरोना काल के लंबे इंतजार के बाद हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में दिसंबर के महीने में अखिल भारतीय कला प्रदर्शनी का आयोजन हिमाचल राज्य संग्रहालय शिमला द्वारा किया जा रहा है। राष्ट्रीय स्तर की इस प्रदर्शनी में देश विदेश के कई कलाकार अपनी कलाकृतियों का प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन मंगलवार को भाषा एवं संस्कृति विभाग के सचिव राकेश कंवर ने किया। यह प्रदर्शनी 20 दिसंबर से 31 दिसंबर तक प्रातः 11:30 बजे से साय 4:30 बजे तक देखी जा सकती है। हिमाचल प्रदेश स्टेट म्यूजियम 1978 से इस आयोजन को कर रहा है और अब तक आते आते इसकी राष्ट्रीय पहचान बन गई है, जिसमें पूरे देश से एंट्रीज आती हैं। इस बार भी 231 एंट्रीज हमारे पास आई और अलग अलग तरीके से जो लोग अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, आर्टिस्ट, उनके अलग अलग एक्सप्रेशंस हैं, उनको यहाँ पे देखने को मिलता है और बहुत अच्छा काम लोगों ने किया है। मुझे उम्मीद है कि हमारा जो स्टेट म्यूज़ियम का ये एफर्ट है, ये लगातार चलता रहेगा और इससे जो युवा बच्चे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उनको भी सीखने का मौका मिलेगा और उनको मोटिवेशन मिलेगी कि वो और अच्छा काम करें। कला प्रदर्शनी राज्य संग्रहालय द्वारा 1978 से शुरू की गई है और कोविड काल को छोड़ के ये लगातार हर वर्ष की जाती है और इस वर्ष भी 125 आर्टिस्टों ने अपनी यहाँ पर वर्ष भेजे थे और जिसमें 64 आर्टिस्ट के जो वर्ष वो सिलेक्ट हुए हैं। और इस एग्जीबिशन का जो करने का मुख्य का जो उद्देश्य रहता है वो ये रहता है कि हिमाचल के जो हमारे यहाँ पर स्टूडेंट्स है या हिमाचल के आर्टिस्ट है उनको एक राष्ट्रीय स्तर का प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाना कि ताकि वो अदर स्टेट्स के आर्टिस्टों के वर्क को भी देख पाए, उनके साथ इंटरेक्ट कर पाए और उनके साथ अपने आप को इंट्रोड्यूस कर पाए। तो ये एक इस उद्देश्य से ये एग्जीबिशन की जाती है और ये एग्जीबिशन 1 महीने तक चलेगी और इसका 31 जनवरी 2023 को समापन है और तब तक ये सभी पर्यटकों को और दर्शकों के लिए प्रातः 10:30 बजे से शाम को 4:30 बजे तक खुली रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।